नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार बिल्कुल सुस्त है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट एक्सपायरी भी कुछ इसी प्रकार की थी। आज शुरुआत में जरूर एक वॉलेटाइल हो गया मार्केट, नीचे जाके ऊपर आ गया, बट उसके बाद वो छोटी सी 20-25 पॉइंट्स की रेंज है, उसी में घूम रहा है निफ्टी सुबह से। दैट मीन्स मे बी आज फिर एक बार आपको ऑप्शंस में बड़ा डाटा आता हुआ दिख सकता है और कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हैवी हो सकती है। वैसे जब मैंने मॉर्निंग में डाटा चेक करा था तो 19800 इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ था जहां पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हाईएस्ट थी, बट कॉल राइटर्स ज्यादा है। चाहे 19800 की बात करो, 850 की बात करो, 900 की बात करो, वहीं पुट राइटर्स की बात करें 19800 पे सबसे ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद देखो तो कुछ ज्यादा बड़ा डाटा था नहीं। तो जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहे हैं वो ज्यादा है, जो मार्केट को गिरने से रोक रहे हैं वो कम है। लेट्स सी बाजार किधर जाता है, या कहीं जाता ही नहीं है, सुस्त एक्सपायरी हो जाती है। बट आज जो फोकस में बना हुआ सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस ने कल अपने नंबर्स पेश कर दिए हैं और उसके बाद 1.5% नीचे दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों का ये मानना है भैया टीसीएस के खराब नंबर थे और इंफोसिस में भी शॉर्ट पोजिशन बनानी चाहिए। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, टीसीएस के नंबर खराब नहीं थे और ये बात आपको आने वाले कुछ दिनों में समझ में आ जाएगी। आज जो ये शेयर टूट रहा है या गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन है अभी कंपनी उतनी गाइडेंस लेकर बुलिश नहीं है, आगे के आउटलुक को लेकर उतनी बुलिश नहीं है। और सबसे बड़ा रीजन है बायबैक। 17,000 करोड़ का कंपनी ने बायबैक तो किया है, लेकिन जो प्राइस है वो उतना हाई नहीं है जितना अनुमान था, और जो बायबैक का अमाउंट है वो भी उतना हाई नहीं है जितना बाजार मान के चल रहा था। ये बाजार को हल्का खराब लिखा है, लेकिन खराब लगाए ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है। मान के चलो आप चुपचाप बैठे हो और अचानक से खबर आती है आपको रुपए मिलने वाले हैं। अब आपने कहा अरे वाह, अब रुपए तो मिलने वाले हैं तो खबर अच्छी हो गई, लेकिन फिर आप गुणा भाग करते हो और आप देखते हो यार करीब करीब मेरे को ना 100 रुपए करीब मिल सकते हैं, लेकिन आपको 100 की जगह अगर मिले 900 रुपए तो आपको एक छोटे टर्म बुरा लगेगा, यार 100 की उम्मीद थी 900 ही मिले। लेकिन एट द एंड आप ये रियलाइज करोगे अरे मिले तो सही यार, अच्छी बात है। सेम बायबैक हुआ तो सही, बड़ा बायबैक है, कोई छोटा मोटा नहीं है, अनुमान से छोटा है। अब मैं आपके साथ बिना किसी देरी के इंफोसिस के नंबर शेयर करता हूं। देखिए, आज इंफोसिस और HCLTech दोनों रिजल्ट्स पेश करेंगे और रिजल्ट से पहले दोनों ही स्टॉक्स गिर रहे हैं। स्पेशली HCLTech 1.5% नीचे दिख रहा है और इंफोसिस लगभग 0.5% नीचे दिख रहा है। इंफोसिस के प्राइस की बात करी जाए तो 1485 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। इसका ADR कल 0.25% 1.5% टूटा है, उसके बाद इंफोसिस उतना ज्यादा नहीं टूटा है। मैं आपके साथ अनुमान बताना चाहता हूं कि कैसे रह सकते हैं नंबर्स, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो ना देखें, किसी की भी ना देखें, केवल नंबर आपके सामने आ जाए तो कैसे पता लगेगा अच्छा या खराब है? जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं ना, बस वो नंबर याद रखना। बाजार हमेशा अनुमान के सामने कैसे नंबर आए ये देखता है। जैसे बायबैक हुआ लेकिन अनुमान 20,000 करोड़ के समथिंग का बायबैक आएगा, ऐसा था 17,000 करोड़ आया, खराब रिएक्शन आ गया। ऐसे ही जो मैं नंबर बता रहा हूं उससे अच्छे आए तो अच्छे हैं, इससे खराब आए तो खराब है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 38,400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पेश करेगी, ऐसा बाजार मान के चल रहा है। इससे ज्यादा आ जाए तो अच्छे नंबर्स मान लेना, इससे कम आ जाए तो खराब मान लेना। अगर डॉलर आई की बात करें तो 465 कहीं ना कहीं जो है डॉलर आ सकता है कंपनी का रेवेन्यू टर्म्स में। 465 करोड़ डॉलर कहीं ना कहीं कंपनी पेश करेगी, 0.8% की बढ़त देखने को मिल सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। इससे ज्यादा आ जाए तो अच्छा, इससे कम आ जाए तो खराब। कामकाजी मुनाफा 8,050 करोड़ के समथिंग कंपनी पेश कर सकती है, ऐसा अनुमान है, और 2% की बढ़त आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। इससे ज्यादा आ जाए तो अच्छा, इससे कम आ जाए तो खराब। अगर मार्जिन की बात करें तो 21% पे मार्जिन आ सकते हैं 20.8% से बढ़कर, यानी 20 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में बढ़ोतरी का अनुमान है बाजार का। 21% से ज्यादा मार्जिन आए तो एक्सपेक्टेशंस को बीट कराए मान लेना और अच्छे नंबर्स हैं, और कम आए तो थोड़े से खराब मानना। आगे बात करी जाए मेन मुनाफे की बात की जाए तो 6,300 करोड़ पे कंपनी का प्रॉफिट रहने का अनुमान है इस क्वार्टर का। इससे ज्यादा आए तो अच्छे हैं और इससे कम आए तो खराब है। वहीं सीसी कॉन्स्टेंट करेंसी आए, ज्यादा कुछ नहीं बढ़ने वाली है, 0.9%। डॉलर आए 0.8% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और ज्यादातर वर्टिकल्स में सपाट यानी कि नॉर्मल रहने का ही अनुमान है, ज्यादा कुछ खास बढ़त या फिर ऊपर नीचे होने का अनुमान नहीं है। तो नंबर्स अगर ऊपर की तरफ सरप्राइज करते हैं तो तेज रफ्तार से स्टॉक भागना चाहिए, सपाट रहते हैं तो फिर मेरे को लगता है यही रेंज प्ले होती रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर खराब हो जाते हैं तो फिर एक डिप मिल सकता है। जो भी होगा एक चीज समझ में आती है कि इस आईटी स्टॉक्स का समय बीते 1.5 साल से खराब चल रहा है,
ऐसे में हर एक गिरावट खरीदने का मौका ही है। ये वही स्टॉक है जो 2021 में लोग चढ़ के खरीद रहे थे, हर भाव पे खरीद रहे थे। विप्रो को 700 रुपए पे खरीदने वाले बैठे थे, लेकिन आज 450 पे भी खरीदने वाले नहीं है। समय समय की बात है, जिन पीएसयू कंपनीज को निवेशकों ने 5 साल तक कभी खरीदने की नहीं सोची, आज उनके पीछे लाइन लगा के खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई भी पीएसयू स्टॉक हो। ये समय की ही बात है, बाकी कोई बात नहीं है। मारुति जो हमेशा से ऑटो को लीड करता रहा है, आज मारुति को कोई पूछ नहीं रहा है। वहीं M&M और टाटा मोटर्स के चाहने वालों की कमी नहीं है। हमेशा हीरो मोटोकॉर्प भारत की आन बान शान रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प छोड़ के सब चल गया, चाहे TVS हो, चाहे बजाज ऑटो हो, चाहे आयशर मोटर हो, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प अभी तक नहीं चला है। तो ये समय समय की बात है, ये हेर फेर होता रहता है, लेकिन मेरे को इतना जरूर पता है IT वेलवेदर है, हर जगह जरूरत है इनकी। आप नॉर्मली देखो कि दुनिया फ्यूचरिस्टिक जो है वो पूरा पूरा मतलब पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि सब टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, तो ये तो बढ़ने वाला है। तो मेरे समझ से इन स्टॉक्स में गिरावट में सिर्फ खरीदने का मौका ढूंढें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे निवेशक हो तो, और ट्रेडर हो तो भैया मैं तो राय देता नहीं हूँ कभी भी ट्रेड लेने की किसी कॉर्पोरेट एक्शन से पहले, बाकी आपकी मर्जी है। साथ ही साथ आज भारत का इन्फ्लेशन का डाटा भी आना है, तो वो भी क्लोजली वॉच करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।